बचपन के दिन भुला न देना। एक टाइम था हम बैठते थे गाड़ी में कहीं भी, इतने छोटे छोटे से हैंडबिल छपवा रखे थे, वेरी सिंपल, कोई आर्ट पेपर के नहीं, कोई कलर्ड नहीं, कोई ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं, सिंपल। उस पे निमंत्रण लिखा हुआ बाबा के बारे में, आ गए हैं वो सुना रहे हैं। अब जिसको नहीं चाहिए नहीं टच होता ना हो, हम अपनी फर्जदाई पूरी करें, क्योंकि बाबा कहते थे अंत में ये निमंत्रण ढूंढेंगे वेस्ट पेपर बास्केट में, कि हमें किसी ने दिया तो था, हमने ध्यान नहीं दिया है जी। निमंत्रण दो, और उसके पीछे क्वेश्चन लिखे हुए थे, 5-7 क्वेश्चन लिखे हुए थे, और सेंटर का एड्रेस होता था। चीप होते थे, गरीब लोग थे हम, ताकि हम कोई ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, सब लोगों को फ्री बांटना है, कितने बांटेंगे, तो वो रखते थे अपने पास। कोई पास में बैठता था तो उसको हम कहते थे आप इंटरेस्टेड हैं धार्मिक इसमें, हाँ जी, उसको हम देते थे पढ़ने के लिए है जी। कई लोग सेंटर पर आते थे उन क्वेश्चन को पढ़ के, लेकिन भाव ये था हम किसी से मिले, गाड़ी में ही मिले, बस में ही मिले, फिर पता नहीं इतनी भीड़ में से कौन कब किसको मिलता है। ये अंत में उलहना देगा कि भगवान मुझे तुम्हारा संदेश किसी ने नहीं दिया। बाबा कहते थे ये उलहना कोई ना दे, तुम सबको संदेश दो, गिव दिस मैसेज टू एवरीवन। तो वो हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया। मैं सुना रहा था बाबा की बातें, चाहे मैं भरत कोठी में आया चाहे कोटा हाउस में, फ्री लिटरेचर के पैकेट रोज पोस्ट होते थे, 50, 60, 100, 40, 30 बड़ी बड़ी किताबों के पैकेट, लंदन, अमेरिका, इंडिया, जहां तहां। दान करो, दान, ज्ञान दान करो। ये ज्ञान दान जो है ये नेत्र दान है, जैसे अंधे को कोई आंखें देता है। दिन भर में कोई दान किया, किसी को कोई संदेश सुनाया, किसी की आंख खोली, कोई चिट्ठी लिख दी किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को, किसी कोई आते जाते को संदेश दे दिया कि नहीं किया, अरे कुछ करो। तो वो हमने देखा बाबा पैसे ना होने के बावजूद, आर्थिक रूप से कठिनाई होने के बावजूद, दान करो, दान करो, दान करो। बच्चे ये सर्वश्रेष्ठ दान है, ज्ञान दान। सिर्फ कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल करते हुए सब चीज देखा। पैकेट भेजते रहते थे, जब हर एक चीज बेचते हैं तो फिर उसकी कीमत और हो जाती थी। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेचने की चीज नहीं है, ये भगवान की दी हुई चीज तुम बेचते हो। तो हमने कहा बाबा कहाँ तक बांटेंगे, ये भारत में तो ऐसा है, अगर हमने यहाँ रखा तो कोई कहेगा जी एक मेरे लिए दे दो, एक मेरे मामा जी के लिए दे दो जी, उनका भी इंटरेस्ट है, अच्छा दे देते हैं भाई। फिर कहेगा चाचा जी का, उनमें भी ज्यादा इंटरेस्ट है, एक चाचा जी के लिए फ्री है, आप रोक तो सकते नहीं, चक्कर लगा के फिर आ जाएगा, फिर देना पड़ेगा आपको, तो रद्दी बेचनी है उसने, जाके मलाई बर्फ खानी है जा, तो वो तो यही काम करता है। ऐसे लोग थे, लेकिन बाबा कहते थे बेचो मत। आर्ट पेपर पर छपी हुई किताबें होती थी रेड इंक में, उस पर सुनहरी लगी हुई, इतनी कॉस्टली, इतनी सुंदर। बाबा कहते थे एक गीता छपाई हमने, सच्ची गीता, रियल गीता इंग्लिश में। तो बाबा ने पूछा इसका कितना खर्च हुआ, मैंने कहा 2 रुपए। तो बाबा ने कहा फिर, मैंने कहा क्या करना है बताइए। तो बाबा ने कहा ये बेचनी नहीं है,
बाबा ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगी अगर हम बेचेंगे नहीं, अपने क्लास के ही भाई भाई भतीजे के लिए ले जाएंगे सब, वो तो प्रसाद है उनके लिए, तो ले जाएंगे सब, क्या करेंगे फिर। बाबा ने कहा अच्छा इस पर लिख दो कि इसकी जो कास्ट प्राइस है, पेपर प्रिंटिंग बाइंडिंग वगैरह का जो खर्च हुआ है वो 2 रुपए हुआ है, लेकिन ये अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता क्योंकि ये भगवान के वर्षन हैं। यू कैन नॉट एडिक्वेटली पे फॉर इट, नो वन कैन यू सी, बिकॉज एवरी वर्ड ऑफ इट इज ए जेम, इट्स गॉड्स वर्ड, हाउ कैन यू पे, यू आर पुअर पीपल, हाउ मच यू हैव टू पे, यू कांट। तो वो नहीं पे कर सकते, आप ये लिख दो कि फिर उसके साथ ये लिख दो, पढ़ो इसको, अगर पढ़ने के बाद पसंद ना आए किताब वापस दे जाओ, 2 रुपए लेके जाओ। है जी, हमने कहा बाबा ये नया धंधा हो गया, लोग पढ़ के ले दे जाएंगे 2 रुपए भी ले जाएंगे, फिर बताइए। तो बाबा ने कहा एक्सपेरिमेंट करो, ऐसा नहीं होगा, फिर तुमने ठीक नहीं लिखी लगता, अगर ठीक लिखी हुई होगी वापस क्यों करेंगे और ले जाएंगे, तो मेरी परीक्षा भी चलो। बाबा कहते हैं स्टूडेंट्स हो, इट इज ए यूनिवर्सिटी, यू मस्ट स्टडी। हाँ जी, बंदर के आगे किताब रखो तो क्या करेगा, क्या करेगा, इस कागज को उस कागज को फाड़ के रद्दी कर देगा, जो उसके ऊपर अमरूद काट के भी आप खा नहीं सकते, समझा, वो तो सारा कागज खराब कर देगा ऐसे ही। तो कुछ ऐसा दान दो, ज्ञान दान दो, ये नेत्र दान है मनुष्य को, बाबा कहते थे अंधे के आगे आरती है, आईना है, ये नेत्र है, ये दो लोगों को। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते, लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते।